जाने हैं और कितने पुराने चेहरों को फिर से मौका दिया जाएगा। हालांकि अब तक कोई भी नेता इस विषय में विचार करने को राजी नहीं है। दरअसल लोकसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत मिलने के बाद जब नरेंद्र मोदी ने संसद में सेंट्रल हॉल में एनडीए के सभी 353 सांसदों को संबोधित किया तो मोदी ने मंत्रिमंडल का भी जिक्र किया। इस दौरान मोदी ने सांसदों को नसीहत देते हुए कहा कि बहुत सारे लोग मंत्री बनने में लगे हुए हैं लेकिन किसी को गुमराह होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक कि पीएम मोदी ने यह भी कहा था कि अगर किसी सांसद को मंत्री बनने के लिए हेडक्वार्टर से फ़ोन आता है तो वो वेरीफाई कर ले क्योंकि कई बार कॉल झूठी भी हो सकती है।